बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू के यहाँ इस हफ्ते इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की थी। नमस्कार, मैं हूँ शिवानी और आप देख रहे हो खबर एक्सपर्ट। बीती रात तक तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप से आईटी विभाग ने पूछताछ की है। 3 दिन की छापेमारी के बाद तापसी पन्नू ने अब अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने ट्वीट करके इस रेड के बारे में बताया है, साथ ही कहा है कि वह सस्ती नहीं रही है। तापसी पन्नू ने ट्वीट किया, बीते 3 दिनों में मुख्य रूप से 3 दिनों की खोजबीन की गई है। पहली कथित बंगले की चाबी जो पेरिस में है, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां मैं वहीं मनाती हूं। दूसरी 5 करोड़ रुपए की रसीद जो भविष्य के लिए है। और तीसरी वित्त मंत्री के अनुसार 2013 में पड़ी मेरे यहाँ की छापेमारी की याद है। अब मैं सस्ती नहीं रही, तापसी ने ये कंगना रनौत पर तंज कसा है। इनकम टैक्स विभाग की प्रवक्ता सुरभि आहलूवालिया के मुताबिक जांच के दौरान एक बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस की घोषित आय और बॉक्स ऑफिस पर जो कमाई हुई है उसमें काफ़ी अंतर पाया गया है, यानी कि चोरी की गई है। पूछताछ के दौरान कंपनी के अधिकारी 300 करोड़ रुपए की घोषित आय के बारे में कोई सही जवाब नहीं दे पाया। साथ ही जाँच के दौरान प्रोडक्शन हाउस और फिल्म निर्माताओं के द्वारा 350 करोड़ रुपए की गड़बड़ी के बारे में भी पता चला है। तापसी पन्नू के ठिकानों से 5 करोड़ रुपए की कैश रिसिप्ट भी बरामद की गई है। इसके अलावा करीब 20 करोड़ रुपए के फर्जी खर्चे की भी जानकारी मिली है प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और अभिनेत्री के द्वारा दिखाए गए हैं। इसकी जाँच भी जारी है। 2 टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियों के ठिकानों पर रेड के दौरान ईमेल्स, व्हाट्सएप चैट्स, हार्ड डिस्क के रूप में तमाम डिजिटल एविडेंस भी इकट्ठे किए गए हैं। साथ ही 7 बैंक लॉकर के बारे में भी पता चला है, जिन्हें जांच के दायरे में भी लिया गया है। तापसी के पास हैं कई फिल्म्स। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू के पास इस समय फिल्मों की लाइन लगी हुई है। वह जल्द ही लूप लपेटा में नजर आने वाली है। उन्होंने लूप लपेटा से अपना फर्स्ट लुक शेयर किया है। उनके किरदार का नाम साबी है। तापसी क्रिकेटर मिलाती राज की बायोपिक भी कर रही हैं। तापसी पन्नू अनुराग कश्यप के साथ मन मर्जियां नाम की फिल्म भी पहले कर चुकी हैं। वो इन दिनों टाइम्स ट्रेवल पर आधारित दूसरी फिल्म भी शूट कर रही हैं। धन्यवाद। क्या आपका बिजनेस नहीं चल रहा? क्या आपके पास कोई ग्राहक नहीं आ रहा? तो घबराइए मत, टोमिंडर ऐप आपको रोजगार की 100% गारंटी देता है, साथ ही सर्विस भी, वो भी घर बैठे। अगर आप किसी प्रकार के सर्विस मैन हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, फ्रिज रिपेयरर, एसी रिपेयरर, वॉशिंग मशीन रिपेयरर, मैकेनिक वगैरह, तो आप टोमिंडर ऐप में सर्विस प्रोवाइडर में रजिस्टर हो जाइए और उसके बाद आप भी पैसा कमाइए, वो भी हर बुकिंग पर। तो डाउनलोड कीजिए अभी टोमिंडर ऐप। साथ ही अगर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की सर्विसेज की आवश्यकता हो तो यूज़ एज कस्टमर में लॉगिन कीजिए और घर बैठे पाएं हर प्रकार की सर्विसेज। तो सही है ना, टोमिंडर रोजगार भी और सेवा भी। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड कीजिए टोमिंडर ऐप।